हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देसी मटर के पापड़ की रेसिपी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मैं मटर ली हूँ, सूखा हुआ मटर को रात भर पानी में डाल के फुला के ली हूँ। तो ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। छोटे वाले मटर हैं ग्रीन कलर का, और एक दो इसमें हल्के ब्राउन कलर का भी मटर होता है, तो वो बिल्कुल देसी मटर होता है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेंड। तो एक कप मटर को रात भर पानी में डाल के अच्छे से फुला ली हूँ और इसे डाल दे रही हूँ ग्राइंडर जार में, और इसे पीस लूँगी एकदम बारीक पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल के। तो पहले बिना पानी का ही 2 से 3 राउंड मिक्सर जार को अच्छे से मिक्सी को चला लूँगी, जिससे कि सारे मटर के दाने अच्छे से क्रश हो जाए। और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे एकदम महीन पेस्ट बना लीजिए। और आपके पास यदि ऐसा वाला मटर नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड्स, तो जो बाज़ार में वाइट वाला मटर आता है उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें और इसमें दोनों में फ्लेवर में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। छोटे वाले मटर में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, और इस पापड़ को आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा इसका टेस्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पापड़ बन के तैयार होगा, और वो भी एकदम आसान तरीके से। तो इसे पीस ली हूँ बारीक पेस्ट, और इसमें क्या करूँगी फिर इसे मैं छन्नी में डाल के और छान लूँगी। जो एक दो टुकड़ा रह गया होगा मटर का वो भी छन जाएगा। तो इसमें पानी डाल के अच्छे से जार में धो के, और इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा पानी डाल के जितना पेस्ट निकल पाता है उतना छन्नी में डाल के अच्छे से छान के निकाल ले। आप चाहे तो इसे कपड़े से भी छान सकते हैं, बहुत बारीक कपड़ा ले और उसमें डाल के इसे गार गार के इसका ये जो पेस्ट है उसे आप निकाल सकते हैं। और बचा हुआ पार्ट को फिर से एक बार मिक्सर जार में डाल के अच्छे से चला के उसे भी बारीक कर लेना है, जिससे कि इसका सारा गूदा जो है वो पीस के निकल जाए और इसका छिलका अलग हो जाए। तो आप बारीकी से देखिएगा इस वीडियो को, उसके बाद आप इस पापड़ को ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा। और ये पापड़ बनाना भी बहुत मैं इजी तरीके से सिखा रही हूँ, और पापड़ कुछ नया टाइप का भी आपको खाने में अच्छा लगेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे वीडियो को देखें हमें सपोर्ट करें। तो फिर से इसे वापस से पानी डाल के और इसे बारीक से पीस ले रही हूँ। और इसे वापस से फिर से छान ले रही हूँ, इससे क्या होगा इसका छिलका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से दबा दबा के इसे निकाल ली हूँ, तो इसे हटा देना है। और आप चाहें तो 1-2 राउंड इसे और भी पीस सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। सिर्फ आपको इसे इसका बारीक वाला पेस्ट को अलग करना है और छिलका को अलग करना है। तो देख पा रहे होंगे कि एकदम पूरा पेस्ट अलग हो चुका है, इसमें कोई भी छिलका नहीं बचा है। तो इसमें और पानी डाल ले रही हूँ। तो कुल मिला के पीसने से लेके और इसमें मिक्स करने तक पूरा 3 कटोरी पानी का इस्तेमाल की हूँ, जितना कि जिस कटोरी से मटर ली थी उतना ही के अनुसार से इसमें पानी डाली हूँ। तो 1 कटोरी पानी मटर को पीसने में लगाई थी और 2 कटोरी ऊपर से डाली हूँ, और इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, क्योंकि मटर में मटर का पापड़ है तो थोड़ा सा मटर का टेस्ट भी अलग होता है। नमक ज़्यादा मत डालिएगा, हल्का सा नमक ही इसमें डालना है। और इसके साथ ही डाल दूंगी थोड़ा सा मीठा सोडा। तो नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा मीठा सोडा इसमें डाल दी हूँ। आप ज़्यादा बना रहे हैं पापड़ तो नमक और मीठा सोडा थोड़ा सा ज़्यादा करके ऐड कीजिएगा, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो अब इसे चढ़ा लूँगी गैस पर, क्योंकि पहले इसमें नमक और मीठा सोडा अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसे गैस पर डाल दी हूँ। और गैस पर डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि बहुत जल्दी अंदर में बैठ जाता है। तो और यदि ज़रा सा भी ये पापड़ का बैटर अंदर में चिपक गया बर्तन में तो इसका टेस्ट एकदम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से पकाना है।
तो गैस के फ्लेम को मीडियम ही करके शुरू से ही पकाइए, जिससे कि थोड़ा सा टाइम लेके ये पापड़ का बैटर पकेगा तो पापड़ बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। और इसमें एक इंग्रेडिएंट्स और डालूंगी फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वो चीज़ डालने से पापड़ बिल्कुल भी फटेगा नहीं, चाहे आप इसे कैसे भी बना के तैयार करें। तो इसे अच्छे से पका चलाते हुए पका ले रही हूँ। और इसमें जो ऊपर हल्का हल्का सा इस तरह का फैन आते जाएगा, उसे आप निकालते जाइएगा। और जैसे ये पापड़ का बैटर गर्म हो जाए, आप देख पा रहे हैं कि हल्का से ये जमना शुरू हो गया है, तो जब आप इस फैन को निकाल रहे हैं तो गैस को एकदम लो कर दीजिए। ऐसा ना हो कि फैन निकालने के चक्कर में पापड़ का बैटर नीचे बर्तन के तले में चिपक जाए। तो गैस के फ्लेम को एकदम लो करके उसके बाद इसके ऊपर से जो फैन आ रहा है उस फैन को निकालते जाइए। और इसे वापस से अच्छे से चला के और बैटर को पका लेना है। तो जब इसमें उबाल आने लगे तो गैस के फ्लेम को लो करके ही पकाना है 5 मिनट के लिए। और तो कुल पकाते हुए 15 से 20 मिनट टाइम ले लेगा ये पापड़ का बैटर पकने में, तभी पापड़ अच्छा बन के तैयार होगा। और बीच बीच में देखिए फ्रेंड्स, मैं इस फैन को निकालती जा रही हूँ। और इसे चलाती भी जा रही हूँ। यदि और भी आप पापड़ का रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मैं बहुत तरह का पापड़ डाली हूँ, और बनाना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख के पापड़ बनाएं। एकदम आसान तरीके से पापड़ बनाने की वीडियो डाली हूँ और बिल्कुल भी पापड़ ख़राब नहीं होता है। तो देख लीजिए, गाढ़ा हो चुका है बैटर। तो इसे अभी और पकाऊंगी फ्रेंड्स। जैसे जैसे ये पकते जाएगा ये गाढ़ा होते जाएगा। तो अब इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से क्या होगा फ्रेंड्स कि पापड़ बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। ऐसे कभी होता है ना कि पापड़ बनाने में यदि ज़्यादा पतला बन गया तो वो पापड़ सूखने के बाद क्रैक हो जाता है, और 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देने से पापड़ बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो इसके लिए मैं इसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आपके पास ये कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप 1 चम्मच मैदा को घोल के आप इसके साथ डाल सकते हैं। और देख पा रहे होंगे कि बैटर कितना गाढ़ा है, तभी मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाली हूँ, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डालने के बाद ही ये बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो पहले मटर के पापड़ का बैटर जो है उसे अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर डालिएगा। ऐसा ना हो जो कच्चा ही बैटर में आप डाल दें कॉर्नफ्लावर, वो गाढ़ा हो जाए और पापड़ बनाने के बाद फट जाए। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसा अच्छे से देख के पापड़ का वीडियो, उसके बाद आप पापड़ बनाएंगे तो आपका पापड़ एकदम सही बन के तैयार होगा। क्योंकि पापड़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आधा अधूरा देख के कभी भी आप पापड़ को ना बनाएं। अब इसमें डाल दी हूँ हरा फूड कलर, जिससे कि पता चले कि हाँ मटर का पापड़ है तो इसका कलर भी हरा ही होना चाहिए। तो मैं इसमें फूड कलर का इस्तेमाल की हूँ। फूड कलर नहीं डालिएगा तो पापड़ थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा सूख के, और थोड़ा सा फूड कलर डाल देने से इसका देखने में लुक बदल जाता है। तो थोड़ा सा इसमें फूड कलर ज़रूर डाल लेंगे। और यदि आपके पास सुविधा नहीं है फूड कलर का तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही आप इसे बना के तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए डालने के बाद कॉर्नफ्लावर इसमें कितना अच्छा चमक भी आ गया है बैटर में, और ये गाढ़ा भी हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, गैस को कर दूँगी बंद। और गैस को बंद करने के बाद इसे उतार ली हूँ चूल्हे से नीचे, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये और भी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें डाल ले रही हूँ कुछ मसाला, जिससे कि पापड़ और भी चटपटा बने। तो डाली हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन, काली मिर्च कूट के, और इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन। इसमें जीरा नहीं डालूँगी, इसमें काली मिर्च और अजवाइन का फ्लेवर ही अच्छा लगता है। तो इसे भी थोड़ा सा हल्का सा अजवाइन को हाथों में लेके हल्का सा उसे रगड़ के डालें, जिससे कि फ्लेवर अच्छा से उभर के आए।
तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और पापड़ बनाने से पहले इसे एकदम बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसका पापड़ बनाइएगा। तो पापड़ बनाने के लिए ले ली हूँ पॉलीथीन सीट और इस पर थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल दूँगी, जैसे कि हर पापड़ के वीडियो में बताई हूँ कि हल्का सा इसमें रिफाइंड तेल डाल के और अच्छे से इसे ग्रीस कर लेना है, जिससे कि पापड़ आराम से उखड़ जाए। और देख पा रहे हैं कि बैटर एकदम ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद कितना अच्छा जम भी गया है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर को लेके और इसका पापड़ बनाऊंगी। आप पापड़ के साइज को अपने इच्छा के अनुसार बना सकते हैं, जितना बड़ा चाहें बना सकते हैं, और छोटा छोटा भी इसका पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही डाल रही हूँ, बस इस तरह से डालना है और थोड़ा सा कलछी को घुमा देना है। ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि बीच में बहुत ज़्यादा पतला और किनारे में बहुत ज़्यादा मोटा बन जाए, ऐसा नहीं करेंगे। बस हल्का सा घुमाएंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है पापड़ को, क्योंकि सूखने के बाद ये काफ़ी पतला हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे पापड़ को फैला ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे पापड़ को डाल दी हूँ और जो बचा है उसे दूसरे पॉलीथीन पर डाल के तैयार कर लूँगी। तो देखिए, सारे पापड़ को धूप में फैलाई थी, तो एक दिन के ही धूप में सारा पापड़ सूख के तैयार हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि सूखने के बाद कितना अच्छा पापड़ बना है, और कुछ छोटे साइज का पापड़, कुछ बड़े साइज का पापड़। तो आप जैसा इसका साइज देंगे वैसा ही पापड़ बन के तैयार होगा। तो चलिए अब फ्राई करके आपको दिखा दूँ। तो तेल को गर्म कर ली हूँ और इसमें डाल दी हूँ पापड़, और देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा ये पापड़ फूला है और खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो आप इस पापड़ के रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। और बनाना भी कितना आसान है, बस एक कप मटर में ही इतना सारा पापड़ बनके आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए पापड़ बनके तैयार है, और इसका कलर भी देखिए, काफ़ी क्रिस्पी भी है। तो अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो और भी क्रिस्पी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।